हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनुलेखा ई एकेडमी में। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू होगी। इस प्लेटफॉर्म से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करवाना, यह हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक इसे शेयर करें। इससे आप अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप से घर बैठे या फिर ट्रैवलिंग में या कहीं पर भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। यह आपको सारे रेलवेज एग्जाम के लिए काफी उपयुक्त रहेगा। इस लेक्चर में हम पद्म पुरस्कार 2018 को देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से, यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पद्म अवार्ड्स। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग जगत से, चिकित्सा के क्षेत्र से, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च महीना या फिर अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा, इसके लिए दिया जाता है। और आखिर में थर्ड प्राइस, थर्ड पुरस्कार पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फल स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पद्म पुरस्कार इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पद्म विभूषण, सेकंड इज पद्म भूषण एंड थर्ड वन इज पद्मश्री। चलिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2018 को देखते हैं। सबसे शुरू में हम देखने वाले हैं दोस्तों पद्म विभूषण से। तो पद्म विभूषण इस बार तीन व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से पहले व्यक्ति है श्री एलैया राजा। इनको ये दिया गया कला तथा संगीत के क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये बेसिकली तमिलनाडु से है और जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में ये संगीत दे चुके हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरे व्यक्ति है पद्म विभूषण 2018 को प्राप्त करने वाले गुलाम मुस्तफा खान। इनको ये दिया गया कला तथा संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये महाराष्ट्र से है। और तीसरे व्यक्ति है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पी परमेश्वरन। इनको ये दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। ये केरल से है दोस्तों। आगे पद्म विभूषण पुरस्कारों के बाद अगर पद्म भूषण पुरस्कारों की अगर बात करते हैं दोस्तों हम, तो पद्म भूषण 2018 के पुरस्कार 9 व्यक्तियों को प्राप्त हुए। इनमें से कुछ खेलकूद के संबंध में, कुछ समाज कल्याण के क्षेत्र से, कुछ ज्योतिष के, कुछ पेंटिंग से और कुछ संगीत के क्षेत्र से है दोस्तों। चलिए एक एक करके उन 9 व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं जिनको पद्म भूषण 2018 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनमें से सबसे पहले व्यक्ति है पंकज अडवाणी, प्री क्राइसोस्टम, और तीसरे व्यक्ति है महेंद्र सिंह धोनी। ये पहले तीनों ही व्यक्ति खेल के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है अलेक्जेंडर कटकिन। इनको ये दिया गया समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। श्री रामचंद्र नागास्वामी, ज्योतिष के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। इनके बाद है वेद प्रकाश नंद। इनको यह दिया गया साहित्य के क्षेत्र से। लक्ष्मण पाई, इनको यह दिया गया पेंटिंग के क्षेत्र से। अरविंद पाइक और शारदा सिन्हा, इनको यह दिया गया संगीत में उल्लेखनीय कार्य के लिए। और अंत में पद्म पुरस्कारों से पद्मश्री पुरस्कार को अगर देखें दोस्तों, तो इस बार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट में 73% है दोस्तों। यानी इस बार, इस साल 73 लोगों को यह प्राप्त हुआ है। इसको आपको 2 या 3 बार सिर्फ
नाम इनके एक बार पढ़ के जाना है दोस्तों। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा दोस्तों आने वाले आपके एग्जाम के लिए। मैं एक एक करके इनके नाम आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को इनमें से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पद्मश्री 2018 के 73 प्राप्तकर्ताओं के नाम। मैं सबसे पहले आपको 73 प्राप्तकर्ताओं के नाम बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे। उसी वक्त आपको साइमल्टेनियसली एक काम करना है, या तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप अपने कॉपी या पेन लेके बैठिए, इनके नाम एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद मैं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम आपको बताऊंगा और उनके क्षेत्र से उनका आपको परिचय करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है अभय बंग और रानी बंग, इनको ये दिया गया संयुक्त रूप से दवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, ये महाराष्ट्र से है दोस्तों। उसके बाद है प्रफुल्ल गोविंद बरुआ, इनको ये दिया गया साहित्य तथा पत्रकारिता के क्षेत्र से, ये असम से है। इसके बाद है मोहन स्वरूप भाटिया, कला एवं संगीत के क्षेत्र से, ये उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद है सुधांशु विश्वास समाज कल्याण से, ये पश्चिम बंगाल से है दोस्तों। बाद में सुश्री मीराबाई चानू, ये खेल के क्षेत्र से इनको ये दिया गया पद्मश्री 2018, ये मणिपुर से है दोस्तों। इसके बाद है जोशमा जोए उद्योग जगत से, ये फिलीपींस की है दोस्तों। देन सुश्री एल सुबादानी देवी कला के क्षेत्र से, ये मणिपुर से है दोस्तों। उसके बाद है पॉपुलर स्पोर्ट पर्सन सोमदेव देव वर्मन, ये त्रिपुरा से है। इसके बाद है यशी दोडेन, इनको ये दिया गया दवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये हिमाचल प्रदेश से है। बाद में है अरूप कुमार दत्ता साहित्य के क्षेत्र से, बिलोंगिंग फ्रॉम आसाम। उसके बाद है डी गौड़ा गीतकार क्षेत्र से, इनको ये दिया गया, ये गीतकार है दोस्तों बेसिकली, फ्रॉम कर्नाटका। अरविंद गुप्ता साहित्य के क्षेत्र से, बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र। दिगंबर हंसरा साहित्य के क्षेत्र से, बिलोंगिंग टू झारखंड। बाद में है दोस्तों रमली बिन इब्राहिम नृत्य के क्षेत्र से, ये मलेशिया से है। और अंत में इस स्लाइड के लास्ट व्यक्ति अनवर जलालपुली, इनको ये दिया गया मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये उत्तर प्रदेश से है दोस्तों। अगर हम फर्स्ट स्क्रीन की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों पीटी जामीर, इनको ये दिया गया साहित्य के क्षेत्र से, ये नागालैंड से है दोस्तों। देन सुश्री सीतावा जोदाती समाज सेवा से, ये कर्नाटक से है। देन सुश्री मालती जोशी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये मध्य प्रदेश की है दोस्तों। उसके बाद में महाराष्ट्र से मनोज जोशी, ये अभिनेता है, इनको दिया गया पद्मश्री 2018। उसके बाद है रामेश्वर लाल काबरा, इनको ये दिया गया उद्योग जगत के उल्लेखनीय योगदान के लिए, ये भी महाराष्ट्र से है दोस्तों। उसके बाद है प्राण किशोर कौल कला जगत से, बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। बी क्यो कांगना आर्किटेक्चर, ये लाओस से है दोस्तों। उसके बाद है विजय किचलू संगीत के क्षेत्र से, बिलोंगिंग टू पश्चिम बंगाल। उसके बाद है टॉमी को जन सरोकार सिंगापुर से। उसके बाद है सुश्री लक्ष्मी कुट्टी दवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये केरल से है। उसके बाद में सुश्री जॉयश्री गोस्वामी महंता, ये साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, असम से। नारायण दास महाराज अध्यात्म से, राजस्थान के है। पी महाराणा बुनाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये ओडिशा से है दोस्तों। उसके बाद सुश्री हुन मैनी जन सरोकार के क्षेत्र से, ये कंबोडिया से है। सुश्री एन मारवाई योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये सऊदी अरब से है दोस्तों। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र से दिया गया जावेरी लाल मेहता को, बिलोंगिंग टू गुजरात। कृष्णा बिहारी मिश्रा साहित्य के क्षेत्र से, बिलोंगिंग टू पश्चिम बंगाल। उसके बाद दिया गया फिल्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, शिशिर पुरुषोत्तम मिश्रा, ये महाराष्ट्र से है। बाद में समाज कल्याण के उल्लेखनीय कार्य के लिए सुभाषिनी मिस्त्री को, बिलोंगिंग टू पश्चिम बंगाल। टी मिजोकामी साहित्य के क्षेत्र में, बिलोंगिंग टू जापान।
एसपीएन मुनिवोंग अध्यात्म से बिलोंगिंग टू थाईलैंड, केशवराम मुसलगांवकर साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, यह मध्य प्रदेश से है। उसके बाद है दोस्तों डॉक्टर थान मित यू जन सरोवर के क्षेत्र से म्यांमार से है दोस्तों ये। उसके बाद है सुश्री वी नानामल योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिलोंगिंग टू तमिलनाडु। बाद में देखते हैं दोस्तों सुश्री एस नरसम्मा समाज कल्याण फ्रॉम कर्नाटक, सुश्री वी नवनीता कृष्णा संगीत के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू तमिलनाडु। उसके बाद में आई एन नुराटा शिल्प के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य के लिए इनको ये दिया गया दोस्तों, ये इंडोनेशिया से है। बाद में है मलाई हाजी बिन अब्दुल्ला समाज कल्याण के क्षेत्र से, ब्रुनई के है दोस्तों ये। बाद में है गोवर्धन पनिका बुनाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ये ओडिशा से है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बाबानी चरण पटनायक जन सरोकार के क्षेत्र से इनको ये दिया गया, ये ओडिशा के है। इसके बाद में दिया गया महाराष्ट्र के मुरलीकांत पेटकर को खेल के क्षेत्र से, हबीबुल्ल राजभो फॉरेनर है ये, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य के लिए बिलोंगिंग टू तजाकिस्तान। एम आर राजगोपाल दवा तथा मरीजों की देखभाल के लिए केरल से। बाद में दिया गया दोस्तों महाराष्ट्र के संपत रामटेके, इनको ये मरणोपरांत मिला दोस्तों पद्मश्री 2018 सामाजिक कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। बाद में है चंद्रशेखर रात साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू ओडिशा। एस एस राठौर सिविल सर्विसेस बिलोंगिंग टू गुजरात। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमितवा राय को बिलोंगिंग टू पश्चिम बंगाल। संदिक रुडक विदेशी यानी फॉरेनर दवा नेत्र विज्ञान के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू नेपाल। आर सत्यनारायणन कला तथा संगीत के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू कर्नाटका। पंकज एम शाह इनको ये दिया गया दवा तथा कैंसर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बिलोंगिंग टू गुजरात। बज्जू श्याम इनको ये दिया गया कला तथा पेंटिंग के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश। इसके बाद महाराव रघुवर सिंह इनको ये दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू राजस्थान। किदाम्बी श्रीकांत स्पोर्ट पर्सन बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश। देन इब्राहिम सुतार कला और संगीत के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू कर्नाटका। आगे अध्यात्म के क्षेत्र से सिद्धेश्वर स्वामी जी को मिला है बिलोंगिंग टू कर्नाटका। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया सुश्री लेंटिना ठक्कर को, नागालैंड से ही है। उसके बाद दोस्तों विक्रम चंद्र ठाकुर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगेन बिलोंगिंग टू उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों नारायण स्वामी थर्तनम कला और संगीत के क्षेत्र से। देन नेक्स्ट नयुयन तियान थिन अगेन ये फॉरेनर है, इनको ये दिया गया अध्यात्म के क्षेत्र से वियतनाम से है दोस्तों। भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश। राजगोपालन वासुदेवन विज्ञान व अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए तमिलनाडु से। मानस बिहारी वर्मा अगेन साइंस एंड इंजीनियरिंग बिलोंगिंग टू बिहार। महाराष्ट्र के पीजी विठोबा जी इनको ये दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से। तमिलनाडु के रोमुलस विठाकर वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र से। बाबा योगेंद्र कला जगत के क्षेत्र से बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश। और अंत में ए जाकिया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बिलोंगिंग टू मिजोरम। ये सारे व्यक्ति है दोस्तों पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से पद्मश्री 2018 के प्राप्तकर्ताओं में से कुछ व्यक्तियों को अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा मीराबाई चानू। शी इज अ इंडियन फीमेल वेटलिफ्टर हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर अवर कंट्री इन 48 केजी कैटेगरी 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन US। मणिपुर से है दोस्तों मीराबाई चानू। सेकेंड व्यक्ति को अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, तो ये है फेमस स्पोर्ट पर्सन
सोमदेव देववर्मन इज अ फॉर्मर प्रोफेशनल इंडियन टेनिस प्लेयर. इनको पद्मश्री 2018 का पुरस्कार प्राप्त होने से पहले अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2011 में. आगे विशेष रूप से मैं सुश्री जयश्री गोस्वामी महंता को डिस्कस करना चाहूँगा. ये असम से बिलोंग करती है. इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड शी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग असम इन द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एज अ मेंबर ऑफ असम गण परिषद. और अंत में दोस्तों एक विशेष व्यक्ति को डिस्कस करके मैं हमारे लेक्चर का समारोप करूँगा. ये व्यक्ति है राजगोपालन वासुदेवन. इज एन इंडियन साइंटिस्ट हु वर्क मेनली इन वेस्ट मैनेजमेंट. ही इज करेंटली अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज. ही डेवलप एन इनोवेटिव मेथड टू रीयूज प्लास्टिक वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट बेटर मोर ड्यूरेबल एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव रोड्स. दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. ये था हमारा पद्म पुरस्कार से रिलेटेड लेक्चर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों. तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में. प्रिपरेशन शुरू रखें दोस्तों फॉर योर ड्रीम रेलवे जॉब. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. जय हिंद.